तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका हूँ सैमी खान, फिर से हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ ब्राइडल में कलेक्शन। तो जो भी वैरायटी रहने वाली है ब्राइडल के अकॉर्डिंग रहने वाली है, अंडर 50 की रेंज रहने वाली है ना सर? अंडर 50, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सर रहने वाले हैं और ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट मैम रहने वाली है। इनकी कला आप देखने वाले हैं हमारी आज की वीडियो के अंदर। बाकी पहले मिलते हैं सर से। सर अपना नाम बता दीजिए। विक्रम खेमका, रजवाड़ा स्टूडियो से। और आज का हमारा जो थीम है कि जितने भी हमारे आउटफिट्स हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो मॉडल पे कैसा लगेगा पहन के, ब्राइडल लहंगा है उसका लुक कैसा आता है, मेकअप है तो मेकअप कैसा, मेकअप का निखार कैसा आता है, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। मतलब टोटली इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिंपल ये है कि जो हम आपको वैरायटीज अब तक दिखाते आए हैं आपको बस एक ये आइडिया प्रोवाइड करवाना है कि उसे वेयर करने के बाद मतलब प्रॉपर आउटफिट में वो कैसा लुक आने वाला है। एग्जैक्टली वो हम आपको प्रेजेंट करके दिखाने वाले हैं आज के वीडियो में। कुछ कलाकारी यहाँ पे सरों की रहेगी जिन्होंने बहुत बेहतरीन आउटफिट यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और बाकी असली काम तो मैम का रहने वाला है जो कि ब्राइडल को एक एक्चुअल लुक जो देती हैं, ठीक है, वो मैम का रहने वाला है। तो मैम से जान लेते हैं। मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं नेहा हूँ। ठीक है। मैं एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ। ओके। और इससे पहले मैंने मैक में भी जॉब करी है, तो मुझे कई साल हो गए इस काम को करते हुए। बेसिकली हमारा काम होता है कि हम आपके घर आएंगे या आपके लोकेशन पे आएंगे और वहाँ पे आके आपको रेडी करेंगे। ठीक है। मतलब मैम की इतने साहस के लिए, इतने मेहनत करने के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और कमेंट करके बताइए एक एंटरप्रेन्योर वुमेन होने के लिए आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो एटलीस्ट एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। और जितनी भी गर्ल्स स्टार्टअप करना चाहती हैं, ठीक है, उन लोगों को एक हिम्मत मिले, एक मोटिवेशन मिले, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारी मैम है ना मैम? तो जो सर की तरफ चलते हैं, सर से जानते हैं पहले उनका नाम। राजकुमार कथुरिया। ठीक है। तो सर आज की वैरायटी क्या यूनिक होने वाली है पिछली बार से हटके? जी हाँ जी हाँ, इस बार हमने कोशिश करी है कि रीजनेबल रेट्स के अंदर, ठीक है, आपको बेटर बेटर चीज़ दी जाए, अच्छे डिजाइन दिए जाएं, जिससे कुछ लोग होते हैं कहते हैं भाई हमारी रेंज नहीं है, हमारी रेंज के अकॉर्डिंग दिखाओ। तो हमने कोशिश करी है कि अंडर 15 में आपको वो चीज दी जाए जो आपको लगे देख के कि हाँ, ठीक है, एक क्वालिटी है, एक वैरायटी है। सेम उसी में ही वर्क के साथ थोड़े से चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली बात है, जब आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्क का भी फर्क आएगा। नहीं, हमारे आप अभी वीडियोस में चीज देखना, जैसे क्या होता है कि आप कोई भी ऑनलाइन में कोई पिक्स देखते हैं, वो पिक्स अलग हटके अलग होती है और एक्चुअल में दुकान में स्टॉक अलग होता है। बिल्कुल सही। अब हम आपको लाइव डेमो उसी चीज का दिखाएंगे, ठीक है, कि जो हमारा स्टॉक है और जो हम मॉडल्स पे लगा रहे हैं उनके आप पिक्स देखना, उनको क्वालिटी देखना, जो हम दिखा रहे हैं वही हम दे रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव वही है। बाकी वर्क जो रहा, बाकी वर्क की जो बात रहेगी मैं आपको बिल्कुल पास ले जाके एक एक धागा जो होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी एक एक काम हाथ का टाका एक एक आप चेक कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी सर शॉप का एड्रेस गाइड कर दीजिए एक बार। शॉप नंबर 1800-1801 मेन रोड चांदनी चौक पे है। आप गुरुद्वारे से और आपके लाल किले के बीच में हमारी शॉप पड़ती है। गुरुद्वारा अगर आप लाल किले से आते हैं, गुरुद्वारे से 15 दुकान पहले, ठीक है। यहाँ पे फेमस जलेबी वाला भी है ना? जस्ट हमारी दुकान के दो मतलब दो दुकान आगे। ठीक है। आपको यहाँ पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और यहाँ पर जो है आपका जो है आपको पार्किंग की कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे दोनों साइड पार्किंग है और यहाँ पर जो है बिल्कुल नियर बाय हमारे मेन रोड है, जो आपको आप बाय रोड आना चाहे वो भी आ सकते हैं। और बिल्कुल नियर बाय दो मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर पहुंचने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेट्रो फैसिलिटी, कैब फैसिलिटी, प्राइवेट व्हीकल फैसिलिटी सब हर जगह से अप्रोचेबल है। मतलब सारी फैसिलिटीज आपको इस लोकेशन पर मिल जाती है। इस लोकेशन का नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। लोकेशन का नाम चांदनी चौक रहने वाला। चांदनी चौक मेन रोड, मेन चांदनी चौक जो लाल किला रोड है उससे 200 मीटर आगे हमारी शॉप है, ठीक है। बाकी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आने वाली ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वैरायटी दिखा। स्टार्टिंग हम यहीं से करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। आज मैं ये आपको सारे सैंपल पीसेस दिखा रहा हूँ कि ये हमारे लुक है ये लहंगों के, और इन्हीं सब लहंगों में से एक लहंगा मैं आपको मॉडल पे लगा के दिखाऊंगा। जरूर सर। ये सारे हमारे बजट लहंगे हैं, बिलो 50 की रेंज में, स्टार्टिंग 15,000 से स्टार्ट होके आपके ये 50 की रेंज तक के लहंगे हैं। बाकी वर्क को जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, एक एक धागा भी अगर होगा तो मैं आपको डीपनेस के साथ दिखाऊंगा। ये इसका ओवरऑल पूरा ब्लाउज रहने वाला है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इसका ऐसा वर्क आने वाला है। और नीचे लहंगे की तरफ चलते हैं, लहंगा भी बिल्कुल रजवाड़ा थीम के अंदर आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर फिगर पैटर्न बना हुआ है, ये देखेंगे प्रॉपर एक थीम को फॉलो करते हुए एक लहंगा बनाया गया है। ये ब्राइडल के लिए रोज पिंक जिसे हम कह सकते हैं उस पर प्रॉपर बनाया गया है। ये पर्टिकुलर लहंगा हमारा
15 से लेके 30 के सेगमेंट वाला लहंगा है। ठीक है, इसके अंदर वेरिएंट भी होते होंगे? इसके अंदर वेरिएंट्स बहुत आएंगे। अब आइए मैं आपको दूसरा पीस दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसमें और बारीक काम है। ठीक है, ठीक है, प्योर सिल्क पे है। ओके, इसमें डबल दुपट्टा है, एक आपका ये हमने पिंक है, एक दूसरा आप जैसा आप कस्टमाइज कराना चाहें, रेड चाहते हैं, किसी और कलर का चाहते हैं, वो हम साथ में देते हैं। वैसे ये फैब्रिक कौन सा रहने वाला है? प्योर सिल्क पे है और पूरा हाथ का पूरा बारीक काम है। ठीक है, एक एक फिगर पैटर्न भी आप फोकस करेंगे यहाँ पे, देखेंगे पिकॉक बना हुआ है, और कहीं से भी आप देखेंगे ना एक सिंगल जो थ्रेड्स होता है, एक धागा होता है, वो भी अलग से आपको देखने को नहीं मिलने वाला। वेल फिनिश होने वाले हैं, प्रॉपर तैयार आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ब्लाउज छोड़ के बाकी सारी चीजें तैयार करके दी जाएंगी। ये लहंगा हमारा 25 से 50 के सेगमेंट वाला लहंगा है। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। ये देखिए, ये देखेंगे एक लहंगा आपका ये रहने वाला है, प्रॉपर जो आप देखेंगे रुपट्टे के वर्क से स्टार्ट करते हैं, ये आप देखेंगे रुपट्टे का वर्क एकदम वेल डिफाइंड और एक एक चीज फिनिशिंग के साथ है। ये देखेंगे, ये इसका ब्लाउज रहने वाला है, इसका ओवरऑल लुक ब्लाउज का ये रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ चलते हैं, ये आपका बेल्ट पोर्शन आ गया। ठीक है, ये आपकी बेल्ट आ जाती है, आप देख सकते हैं बेल्ट का साइज ही काफ़ी हैवी रहने वाला है, जो कि आपकी इजीली पूरा टमी होता है लगभग, वो सारा कवर हो जाता है। बाकी नीचे की तरफ चलते हैं, लव वर्ड्स की थीम आपको देखने को मिल जाती है, मेहराब और फ्लावर थीम आपको देखने को मिल जाती है, और नीचे आ गया आपका रजवाड़ा थीम, दो लिपट ये बारात का पूरा एक दृश्य दर्शाते हुए यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। ये देखेंगे, बाकी इसी किस तरह चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, जो कि कुछ यूनिक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने थीम्स लगाई हैं अलग अलग। ठीक है, मतलब दो लहंगों का पैटर्न एक लहंगे में हमने किया है। ठीक है, ये जाल का पैटर्न और एक ये नौलखा हार का पैटर्न। ठीक है, ये देखिए, वैसे सर इसे नौलखा हार क्यों कहा जाता है? ये सारे जितने भी डिजाइन है, ये हमने ज्वेलरी शॉप में से हमने एब्स्ट्रैक्ट निकाल के काम करवाया है। ओके, मतलब टोटली एडी का वर्क रहने वाला है, जो कि ज्वेलरीज में यूज करा जाता है। बिल्कुल, इससे आप ज्यादा फैमिलियर होंगे, जिसे अमेरिकन डायमंड्स भी कहा जाता है। एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पे फॉलो अप करके लहंगे में यूज करी गई हैं, और इसके लुक को और भी चार चांद लगाने की कोशिश करी गई है। ये भी हमारा 25 से 50 के सेगमेंट के लहंगे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, अपने आप में ही खूबसूरत है, इसको बयां करने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग, देखिए पहली चीज तो, जो लोग कहते हैं फैब्रिक थोड़ा बेस फैब्रिक जो है अनलाइटली है थोड़ा, ठीक है, चमकीला ज़्यादा नहीं है, भड़कीला ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद ऊपर से जो वर्क करा हुआ है वो चमक रहा है सारा। ये देखेंगे, एक एक वर्क का निखार अलग ही आ रहा है। इसी की तरह हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ब्लाउज की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने लहंगे पर वर्क देखा, बेल्ट पर अपना वर्क देखा, सेम वैसा ही वर्क आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ये देखेंगे, बात कर लेते हैं रेंज की, क्या आइडिया रहने वाला सर इसका? ये मेरा 20 से 40 के सेगमेंट का लहंगा, 20 से 40 के सेगमेंट का रहने वाला है। बाकी एज जैसे कि हमारे जितने भी आप, जैसे ये एक आपको मैं ये लहंगा दिखाता हूँ और एक आपको मैं ये लहंगा दिखाता हूँ, इसमें काम भरा हुआ है तो काम के हिसाब से अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या है कि काम कम किया है, मगर काम की जचावट इस तरीके से, ब्लाउज लाइट है मगर ब्लाउज फिर भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें फैब्रिक भी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर छोटा छोटा काम भी अच्छा लग रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम काम करें उसमें परफेक्शन दें आपको। ठीक है, बाकी मैं आपको थोड़ा दूर होकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने आपको जितने भी अभी तक लहंगे नजर करवाए, यहाँ से लेकर आप सारी वैरायटी वहां तक देखेंगे, हर चीज अपने आप में कुछ ना कुछ उसमें अलग था, डिजाइनिंग अलग थी, वर्क अलग था, और प्राइसिंग भी ऑब्वियसली बात अलग रहने वाली है सर। आज की थीम मेरी जितने भी लहंगों की है 50 से नीचे की है, 50 से नीचे, 50,000 से नीचे की थीम है। ठीक है सर, बाकी आप चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, अगली वैरायटी। इनमें से एक लहंगा मैं आपको अभी मॉडल पे दिखाऊंगा अपना। ठीक है सर, तो ये एक लहंगा आप लोगों के सामने आने वाला है। बाकी सर ने जैसा कि गाइड करा था कि प्रॉपर वेयर करने के बाद कैसी लुक आने वाली, एग्जैक्टली हम आपको वही शो करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं लहंगे की फ्लेयर ऐसे आने वाली है, ये देखेंगे, ये इसका ओवरऑल वर्क रहने वाला। बाकी सर से जानते हैं, जो हमने आपको सैंपल दिखाए थे अभी लहंगों के, जी सर, उसके अंदर से एक हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मॉडल पे लगा के दिखाया है कि जो हम आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं वो पहनने के बाद कैसी लगती है, आफ्टर मेकअप ड्रेसअप वो चीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर वेयर लुक दिखा रहे हैं। और ये जैसे मैंने आपको कहा था, आज हम सारा शूट बिलो 50 का कर रहे हैं, मगर ये हमारा और भी कम बजट के अंदर है। ओके, ये 15 से लेकर 30 के सेगमेंट के लहंगे, 15 से लेकर 30 के सेगमेंट, जो हमने ये आपको लहंगा लगा के हम दिखा रहे हैं, ये 15 से 30 के सेगमेंट में लहंगे आते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे आपको। ठीक है, डिजाइन सबको मिल जाएंगे। एक डिजाइन हमने आपको मॉडल पे लगा के दिखाया है। ठीक है, ये एक सिर्फ आइडिया के लिए, बाकी आप देख सकते हैं ये इसका प्रॉपर लुक रहने वाला है। रुपट्टे की तरफ चलते हैं, ये देखेंगे, ये इसका रुपट्टे की थीम रहने वाली है इसकी, ये देखेंगे प्रॉपर लुक। अभी ये लहंगा इन्होंने जैसे वेयर किया है, अभी ये प्रॉपर जो स्टिच होता है, ब्लाउज प्रॉपर स्टिच होना,
अभी इसमें और फिनिशिंग और भी बाकी है। ये हम आपको अभी स्टॉक का आपको हम लहंगा दिखा रहे हैं कि वेयर करने के बाद जैसे आप भी हमारे शोरूम में आके ट्राई करते हैं उस समय ये लहंगा आपको कैसा लगता है पहनने के बाद। इसके अंदर जितनी भी एक्सेसरीज लगनी है लहंगे में वो सब काम अभी बाकी है। ठीक है, जैसे लटकन हो गया और लटकन है जो भी दुपट्टे के अंदर जो एक्सेसरीज लगती है ब्लाउज में जो प्रॉपर फिटिंग बनती है वो सब काम अभी बाकी है। अभी हम आपको एक लहंगे का लुक दिखा रहे हैं कि जो हम आपको चीजें दिखा रहे हैं वो पहनने के बाद वो चीज कैसी लगती है। ठीक है सर, तो अब हमारी नेक्स्ट वैरायटी यहाँ से आने वाली है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। कुछ इस टाइप की वैरायटीज आप लोगों को नजर करवाने वाले हैं। बाकी सर आने वाले हैं हमारे साथ। सर चलते हैं गर्लिश लहंगों की तरफ और जानते हैं इनकी खासियत और खूबियाँ। एमी, ये हमारे पार्टी वेयर लहंगे रिंग सेरेमनी पर्पस या ब्राइडल को जिसको मैरून रेड या रानी जो या जो भी ट्रेडिशनल कलर है उनसे हटके कुछ लाइट कलर्स में वैरायटी चाहिए तो ये ब्राइडल कम रिसेप्शन कम रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट ये मल्टीपर्पज लहंगे हैं। ठीक है, ये टोटली वो लहंगे हैं। ये सारे लहंगे हमारे हैंड जरदोजी के लहंगे हैं। ठीक है, जो पुश्तैनी कारीगर जो काम करते हैं जिनके एंसेस्ट्रल जो पीढ़ियां चलती आ रही है काम करते हुए ये उन क्वालिटी वाले लहंगे हैं। वर्क को जरा पास से दिखाते हैं ताकि आप इस चीज को और डीपली समझ पाए। ये देखेंगे कुछ इस टाइप का वर्क यहाँ पे रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं एक एक मोती आप देखेंगे ना फ्रेंच नोट इसके अंदर है, करदाने का काम है, दबके का काम है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा काम देखिए इसका। ये देखेंगे इसमें जकर वर्क भी है, इसमें सीक्वेंस वर्क भी है, इसमें थ्रेड वर्क भी है, फ्रेंच नोट का काम है, हर तरीके का काम आपको इस लहंगे में मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ चलते हैं, पल्स का वर्क आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और मल्टीपल वर्क आपको यहाँ पे देखने आरी, सुई धागा, जरदोजी, हर चीज आपको इस लहंगे में मिलेगी। फैब्रिक की अगर हम बात करें तो फैब्रिक कौन सा रहने वाला है? ये ऑर्गेन्जा पे है, ऑर्गेन्जा के ऊपर रहने वाला है, आप देख सकते हैं। बाकी इसका गला जिस हिसाब से डिजाइन करा हुआ है, मैं दुपट्टा हटा के आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखेंगे इसका गला कितना ब्यूटीफुल डिजाइन करा हुआ है। आप चाहें तो इसे और भी अलग अलग पैटर्न से डिजाइन करवा सकते हैं, वो टोटली अप टू यू रहने वाला। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा सेमेसिज फॉर्म के अंदर है, जैसे बाकी सब में हमारे पास फैब्रिक होता है ब्लाउज एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, इसका ब्लाउज भी सेमेसिज फॉर्म के अंदर है। ठीक है, बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट वन की तरफ। ये आप देख रहे हैं कुछ नए कलर चार्ट्स लेके आए हैं सर। ये देखेंगे सर, इसके बारे में बताइए। पहली चीज, ये फैब्रिक कौन सा रहने वाला है? ये रॉ सिल्क के ऊपर है, रॉ सिल्क के ऊपर रहने वाला है। बाकी वर्क आप देख सकते हैं, ये देखेंगे तो ये थोड़ा छड़ी पैटर्न की तरह है ना सर? छड़ी पैटर्न है, इसमें लड़की की हाइट बहुत अच्छी इनहेंस होके आती है। इसमें फ्रेंच नोट आपका, पर्ल्स वर्क, दबका काम, सब मल्टी मटेरियल वर्क है इसके अंदर। ठीक है, टोटल मल्टी मटेरियल वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और मिलने वाला है आपको सिर्फ रजवाड़ा स्टूडियो पे। तो जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें, नंबर आपको स्क्रीन पे मिलने वाले हैं और आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं। ये देखेंगे इस पे, अब इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्कैल्पिंग बॉर्डर के अंदर आने वाला है, फिर कुछ न्यू टोन्स के अंदर कलर आने वाला है। देखो कितना प्यारा है, ये देखेंगे गोटा पत्ती, मोती, कुंदन, फ्रेंच नॉट, ये देखेंगे चमक धमक से हटके एक एलिगेंट लहंगा। ये देखेंगे जैसा लड़कियां डिमांड करती हैं आज के टाइम पे, एग्जैक्टली वही थी हम आप लोगों को नजर करवा रहे हैं। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है रेड, हमने बहुत से लोगों को पहने हुए देखा है, कुछ डिफरेंट पहने हुए देखा है। अब हमारी बारी है, हम कुछ यूनिक पहनेंगे, तो उन लोगों के लिए कुछ यूनिक लेके आ गए हैं। ये देखेंगे पूरा ओवरऑल लुक एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये देखेंगे और फ्लेयर अभी ये प्रॉपर तैयार नहीं है तो ये इतना अच्छा लुक दे रहा है। बाकी तैयार होने के बाद हमने आपको एक सैंपल दिखाया था, कुछ इस टाइप की लुक आता है, वैसे ही आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं उसके अंदर। ये तीन पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ सैंपल के, इसी में से एक पीस मैं आपको इसी मतलब सेम पीस इनमें से नहीं है, इसी क्वालिटी के अंदर एक पीस मैं आपको मॉडल के ऊपर भी दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इस वाले की, हमने प्राइस रेंज के बारे में बात नहीं करी थी, इसमें क्या रेंज आने वाली है? सब बिलो 50, बिलो 50 रहने वाला ओवरऑल। अब मैं इस लहंगे के लिए आपको कुछ कहना चाहूंगा, जैसे ये मेरा वेरिएंट मैंने बिलो 50 में इसको किया है, बड़ी मुश्किल से मेरा ये हुआ है। बाकी ये लहंगा वैसे मेरा 75-80 इस रेंज के अंदर भी मेरा ये लहंगा बन रहा है। आप खुद जानते हैं ऑर्गेन्जा एक तो फैब्रिक बहुत महंगा आता है, ऊपर से इस पे वर्क करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसमें वर्क करना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि लाइट कलर है और फैब्रिक डेलिकेट है। अगर मैं इसको किसी अच्छे कारीगर से बनवाऊंगा तभी मेरा लहंगा बन पाएगा। बिल्कुल सही, पैसे के लालच के चक्कर में अगर मैं किसी घटिया कारीगर को दे दूं मेरा मटेरियल खराब होगा, माल खराब होगा, लहंगा बेकार हो जाएगा। तो मतलब जो भी वर्क यहाँ पे किया जाता है, सर का कहना है प्रोफेशनल कारीगर प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं उन लोगों को ही दिया जाता है ताकि वो एक बारी में परफेक्ट वर्क करके आपको दें, जिससे कि आप भी सेटिस्फाई हो सकें और शॉप ओनर भी, है ना सर? अब मैं आपको एक मॉडल पे जो लहंगा दिखा रहा हूँ वो इन सब लहंगों से एक स्टेप और ऊपर है। ठीक है, ठीक है, वो मैं आपको मॉडल पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं वेयर करने के बाद ये कैसा लगने वाला है।
तो नेक्स्ट वैरायटी हम लोगों की आने वाली है, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कुछ वेयर करने के बाद कैसा लुक आता है एग्जैक्टली, हम आपको वो नजर करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल लहंगा आप लोगों के सामने हम लोगों ने लगा के दिखाया हुआ है, ये देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल थीम आने वाली है इसकी, ये देखेंगे। मैं थोड़ा पास ले जाके आपको उसको वर्क को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि मैंने बाकी तीनों में करा था एग्जैक्टली इसमें भी करना चाहूंगा। बाकी वेयर करने के बाद जो लुक आने वाली है ये आने वाली है, बाकी सर से जानते हैं। सर इसमें और एड ऑन क्या करना चाहेंगे आप? और एड ऑन इस लहंगे में सब कुछ एड ऑन है, जो मैंने आपको पीछे तीनों लहंगे दिखाए थे सर। वो इन्हीं का ही एक लाइट रूप है और ये उनमें सबसे मतलब आप वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से पूरा भरा हुआ रहने वाला, पूरा भरा हुआ लहंगा है ये, पूरा ब्राइडल लहंगा है, ठीक है। या जिसको रिंग सेरेमनी में अच्छे बजट का लहंगा लेना हो तो उनके मतलब का लहंगा है, बिल्कुल सही कहा। ब्लाउज में पूरा भरा हुआ काम आएगा, ये पूरा ब्लाउज पे वर्क है। बाकी एडिशनल अगर आप ज्वेलरीज वगैरह वेयर कर लेते हैं तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं ओवरऑल लुक ये आने वाला है। बाकी चूड़े का कलर और इनका जो लहंगा है बिल्कुल मैचिंग के साथ एकदम चटक मटक वाली थीम आपको दे रहे हैं यहाँ पे। आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप उस जगह हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आपका आने वाला है। बाकी ये आप एक साइड पोज इनका लहंगे का दिखाइए कि इसमें वर्क कितना हुआ है, देखिए ये देख सकते हैं, पूरा साइड पोज दिखाइए आप, लहंगे का काम दिखाइए, ये देख सकते हैं एक एक धागा, एक एक काम, एक एक मोती, सारी चीजें मैं आपको डीप तरीके से बिल्कुल पल्स ले जाके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक आइडिया लग पाए। कि कई लोग कहते हैं कि दिखाते कुछ और है होता कुछ और है, तो एग्जैक्टली जैसी चीज है वैसी ही आपको मिलने वाली है। लहंगा मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोई कस्टमर मेरा वीडियो देखे और बोले कि आपने आज की थीम 50 की बजट की रखी थी, ये मेरा 50 वाला नहीं है, ये 50 से थोड़ा सा ऊपर के रेंज में है, ठीक है। फिर भी एक आइडिया अगर आप देना चाहें तो मिनिमम क्या रेंज? एक्चुअली आइडिया मैं अभी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अभी सैंपल पीस बन के आया कारीगर से, ठीक है, और मेरी अभी इसके अंदर और कॉस्ट कटिंग की पूरी कोशिश है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अगर मेरा इसमें अभी मेरे को लगेगा 15-20 दिन तो उसके अंदर मेरी प्रॉपर कॉस्ट कटिंग आ जाएगी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि अभी पहला पीस हमारा महंगा बनता है, करेक्ट। ये पीस तो मेरा अभी एक से ऊपर का बना है, ठीक है। मगर मैं चाहूंगा कि मैं कस्टमर को इसको 75 में या 70 तक में मैं इसको लेके आऊं, ठीक है। तो मेरी कोशिश उस चीज की है, ठीक है। अगर हम फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक कौन सा है? कोशिश है मेरी कि मैं इसको 50 तक लेके आऊं, ठीक है। इसलिए मैं अभी इसका बजट आपको नहीं बता सकता, ठीक है। फैब्रिक की अगर हम बात करें तो फैब्रिक कौन सा रहने वाला है? प्योर सिल्क। प्योर सिल्क, प्योर सिल्क, ठीक है। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। बाकी अगर आपको ये वाला पसंद है तो नंबर आपको स्क्रीन पर मेंशन है, कॉल कीजिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। बाकी प्राइसिंग जो भी रहेगी सर नेगोशिएशन कर लोगे? देखिए हमारे प्राइसेस ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है, ठीक है। और हमारे स्टोर का ये है कि हम लोग बार्गेन में बिलीव नहीं करते कस्टमर, okay। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, यूट्यूब से वीडियो बना रहे हैं, हम तो कहते हैं कस्टमर आए देखे हमारे माल को जज करके हमें पैसे दे। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर हो गया, बार्गेनिंग अवेलेबल नहीं है, तो मतलब जो रेट रिगार्ड है कस्टमर का रिगार्ड है, ठीक है। बार्गेन नहीं है कि कोई सोचे कि चांदनी चौक जा रहे हैं तो भाई वहाँ तो अगर कोई 2 लाख का लहंगा बोलता है तो उसको 50,000 बोलो 1 लाख बोलो, वो सिस्टम हमारे शॉप पे बिल्कुल नहीं है। मतलब सर और थोड़ा बहुत हो जाएगा, हाथ जोड़ के कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि ये माइंडसेट से बिल्कुल भी हमारे शॉप पे ना आए, ठीक है। कि अगर मैं लाख का बोलूंगा तो वो मुझे 50,000 यहाँ पे बोले, ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। तो नेक्स्ट वैरायटी हमारी ये आने वाली है, आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट और मल्टी कलर की थीम के अंदर आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं। बाकी सर इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये किस तरह की क्या वैरायटी आ जाती है? ये कुछ हटके जैसे कस्टमर की डिमांड होती है ना, भैया कुछ हटके दिखाओ, तो ये कुछ हटके है। अच्छा। अब इसमें कोई इसका नाम नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल सही, हमारा काम है हटके चीज बनाना, ठीक है। चॉइस आपकी है, आप इसको किस में फिट करते हो, वेडिंग में फिट करते हो, पार्टी में फिट करते हो, रिंग सेरेमनी में करते हो, किसी मेहंदी फंक्शन में करते हो, हल्दी फंक्शन में करते हो, संगीत फंक्शन में करते हो, ये आपकी चॉइस है। हमने एक मतलब एलिट क्लास के हिसाब से एक अच्छा लहंगा, एक पार्टी वेयर लहंगा हमने बनाया, क्योंकि ये बारीक काम का दबके का लहंगा है, ठीक है। ये आउट कलर्स का मतलब ये नहीं कि हमने कोई भी एक लहंगा बना दिया, ये सारा आप इसकी जो कलाकारी देख रहे हो, जो काम देख रहे हो, ये एक क्वालिटी वर्क है जी सर। तो जिसको एक अच्छे बजट में मतलब मीडियम और अच्छे बजट के अंदर जिसको काम लहंगा चाहिए और कुछ हटके चाहिए, कुछ अलग चाहिए जी, तो उसके लिए डिजाइन है, ठीक है। बाकी रेंज पे इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? थोड़ा अप डाउन जाने वाली है, फिर नॉर्मल बिलो 50 है, बिलो 50, बिलो 50 है, ठीक है। बाकी आप चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, जो कि आप लोगों के सामने ये आने वाला है। लास्ट टाइम में हम लोगों ने आप लोगों को ये लहंगा नजर करवाया था, बट इस बार रेंज में थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है पहले से। लास्ट टाइम ये अभी जैसे मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर एक लहंगे का मैंने आपको रेट नहीं बताया था, जो मॉडल ने पहना था वो मेरा फर्स्ट पीस कॉपी बन के आया, फर्स्ट पीस आया था कॉपी बन के, मतलब जो रेप्लिका की हम कॉपी करते हैं, तो रेप्लिका की भी जो फर्स्ट कॉपी होती है वो एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे से कारीगर उसको तैयार करता है
उसका हाथ उस पर चलना शुरू होता है, कॉस्ट कटिंग हमारी आती रहती है। ठीक है सर। तो ये पहले जो रेप्लिका के अंदर हमने जो फर्स्ट रेप्लिका हमारी बनी थी वो हमारी 1+ की रेंज की थी, ये हमने जो ये हमारा ब्लो 50 के अंदर हमारा बन के आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल ब्लाउज ऐसा रहने वाला है, इसका दुपट्टों का थीम आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग के अंदर रहने वाला है और कुछ यूनिक वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मोती वर्क जो लोग डिमांड करते हैं, और ऑर्गेन्जा टाइप यानी कि मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन कलर्स आप देखना चाहते हैं तो वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये अपने आप में ही आंखों को ठंडक देने वाले कलर्स होते हैं जो कि कोई भी आपको देखेगा ब्राइड्स के रूप में तो ऑब्वियसली वो फिदा होने वाला है इस टाइप के कॉन्सेप्ट के अंदर। ये आप देख सकते हैं ओवरऑल ये थीम रहती है इसकी। जो रेप्लिका की कॉपी करने की बात मैंने आपसे कही है अमी, तो हमारा थीम क्या है कि जैसे मैंने फर्स्ट रेप्लिका बनाई उसकी मेरी जो कॉस्ट आई तो वो मेरी कॉस्ट नहीं है, जब तक मैं उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट तक नहीं पहुंचूंगा मैं उसको सेल के लिए मैं लहंगा नहीं उतारता। बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि मुझे कस्टमर को रीजनेबल देना है, बेस्ट देना है, सस्ते से सस्ता देना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं जो कि आपका इस रेंज के अंदर आ जाता है। ये देखेंगे ये वो लहंगे हैं जो इजिली कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ये देखेंगे जो ना ही ज्यादा लो क्वालिटी के अंदर आते हैं और ना ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर, ये एवरेज बजट वालों के लिए हैं। ये आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक इस टाइप का रहने वाला है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे आपको फिगर पैटर्न की थीम आपको देखने को मिल जाएगी, मोर भी टाइम है हमने, है ना, 25 से 40 की रेंज के बजट के लेंगे, 50 भी नहीं टच करेगा इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा ओवर 20 से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप ये 20 से 40 की रेंज के बजट के लहंगे आप मान के चलिए। ठीक है, आप ये प्रॉपर मान सकते हैं क्योंकि इस रेंज के अंदर नॉर्मली अगर आप लहंगे लेने जाते हैं तो आपको वर्क के साथ साथ क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पूरा हैंडवर्क, कोई इसमें मशीन काम नहीं है, टोटल हैंडवर्क है। अब ये जैसे मैंने आपको सैंपल दिखाया है एप्लिक वर्क के अंदर, ये भी एप्लिक है, ये मल्टी कलर में है, ये भी आपका एप्लिक है, तो ऐसे ही मैं आपको मॉडल के ऊपर अपना एक एप्लिक लहंगा दिखाता हूँ। ठीक है, वो भी आपको पहनने के बाद एक ब्राइड जब तैयार होती है विद मेकअप ड्रेसअप तो उसके ऊपर क्या लुक आएगा वो मैं आपको भी मॉडल पर नेक्स्ट वैरायटी हम लोगों की ये आने वाली है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने हम लोगों ने वेयर करके दिखाया है ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया लग पाए कि किस टाइप का लुक आपका आने वाला है हमारे इस टाइप की वैरायटीज के अंदर। अभी जो मैंने आपको तीनों डमीज पे पीछे पीस दिखाए थे जी सर, एप्लिक वर्क और मल्टी मटेरियल पैचेस के साथ और मल्टी मटेरियल और मल्टी कलर के हिसाब से, तो ये उसी की एक थीम के अंदर मैंने आपको ये लहंगा मैं दिखा रहा हूँ आपको ड्रेप करके। जी सर, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बूटियों का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा आ जाता है, बॉर्डर और दुपट्टे का इस टाइप का रहने वाला है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल थीम आपके यहाँ पे आने वाली है। बाकी सर हमारे साथ में सर कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इसमें एक्स्ट्रा? ये मैं आपको एप्लिक थीम के अंदर सारे लहंगे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको पीछे आपको लहंगे लगा के दिखाए थे उसी का एक सैंपल मैं मॉडल के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ जी सर, इसके लुक एक मॉडल के ऊपर एक ब्राइड के ऊपर कैसा आएगा विद मेकअप। जी सर, ये आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक रहने वाला है, मैं थोड़ा डिस्टेंस पे जाके आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाना चाहूंगा ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग पाए। बाकी बात कर लेते हैं रेंज की, इस टाइप की वैरायटीज किस रेंज के अंदर आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है? 25 से 50 वही हमारा, वही 50 वाला थीम जो हम लेके चल रहे हैं उसी के अंदर में ये सारी चीजें। ठीक है सर, बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि सर ने गाइड करा था आप लोगों को वेयर करके दिखाने वाले हैं कि किस टाइप का लुक आपका आ जाता है वेयर करने के बाद, है ना, तो एक आउटफिट आप लोगों के सामने मैम ने पहनी हुई है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर रजवाड़ा थीम पे लहंगा है ये, एक प्रॉपर ब्राइडल लहंगा। बाकी लुक आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाली है इसकी और टोटली रॉयल थीम के अंदर आप लोगों के सामने कुछ लहंगा हम लोगों ने प्रेजेंट करा है, ये आप देखेंगे एक ट्रेडिशनल थीम रजवाड़ा लुक जो एक दुल्हन की पिक्चर माइंड में आती है कि रेड कलर का लहंगा उस पे बारीक काम जरी का काम एक रजवाड़ा पैटर्न, तो उस थीम के ऊपर ये लहंगा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं दुपट्टे में बूटियों का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है और जो बॉर्डर थीम है वो आप देख सकते हैं जैसा रनिंग में लहंगा है एग्जैक्टली सेम वही थीम आपको यहाँ पे फॉलो करते हुए देखने को मिलेगी और जैसा कि शॉप का नाम है बिल्कुल वैसे ही थीम आप लोगों को नजर करवाई जा रही है रजवाड़ा थीम, ये देख सकते हैं। बाकी सर बात करते हैं हम प्राइस रेंज की क्या रहने वाली है? बहुत रीजनेबल, बिलो 50 के अंदर इतना प्यारा लहंगा हमने सेट किया है, इतना सुंदर इतना अच्छा लहंगा है, मैं व्यूअर्स मेरे खुद देख रहे होंगे मैं अपने मुंह से इसकी क्या तारीफ करूं। जी सर, आप लहंगा भी देखिए, दुपट्टा है, ब्लाउज की डिजाइनिंग है, सबसे मेन चीज आप देखना चाहेंगे तो फ्लेयर देखना चाहेंगे, मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा कि फ्लेयर पे एक बार फोकस करें, ये देखेंगे फ्लेयर, जब ये प्रॉपर स्टिच नहीं है ठीक है
तो इसकी इतनी वेल लुक आने वाली है। 7 meters का फ्लेयर है इस लहंगे के अंदर। नॉर्मली 4 to 5 meters होता है, इस लहंगे के अंदर 7 meters का फ्लेयर है। ठीक है, ये देखेंगे। बाकी सर इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, जो कि आपका एक लहंगा बहुत ही वेट कर रहा है हम लोगों का, ये आप देख सकते हैं। सर इस लहंगे की तरफ चलते हैं, ये लहंगा कौन सा आने वाला है? ये लहंगा अभी मेरा जस्ट बन के आया है। ठीक है, और मैंने इस थीम के अंदर बहुत लहंगे मैंने प्रोडक्शन के अंदर है। बिल्कुल ही हॉट केक वैरायटीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। मैं आपको इस पे एक फोकस करना चाहूंगा। ये पास से मोड़ लगता है और आप इसको दूर से जूम करो, दूर से इसकी सॉरी पिक लो, ये आपको दूर से हाथी लगेगा। बिल्कुल सही कहा, मतलब एक ही फिगर के अंदर आप एक ही के अंदर दोनों डिजाइनिंग, मतलब कलाकारी है। देखिए यहाँ से आपको हाथी दिख रहा है और अंदर चलते हैं, ये आपका ये मोर है। वाओ, मतलब कारीगरों ने भी अब दिमाग का एकदम नेक्स्ट लेवल यूज करा हुआ है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हमें फिगर पैटर्न चाहिए, फिगर पैटर्न में एलिफेंट पैटर्न चाहिए, तो एलिफेंट भी आपको मिल जाएगा। और जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोर भी चाहिए, तो दोनों एक ही में मिलने वाले। सोचते हैं कि भाई ये हाथी है या मोर है, तो मतलब आप अपने आप में चर्चा का विषय बनने वाले हैं। सिंपली आप जब भी ब्राइड्स के अकॉर्डिंग वेयर करके जाएंगे, मजा ही आने वाला है। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या रहने वाली? 40 की रेंज के अंदर, 22 से 40 की रेंज के अंदर, 20 से 40 की रेंज के अंदर, बहुत रीजनेबल बजट का लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे। बाकी इसी तरह के लेंगे हम आपको और भी आगे दिखाते रहेंगे सर, आपको मिलते रहेंगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए अभी कर दीजिए चैनल को लाइक। यूट्यूब वीडियोस जो हम बना रहे हैं, हमारा पर्पस है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, हमारी शॉप का इंट्रोडक्शन करना, हम क्या बेचते हैं वो आपको दिखाना। आप कॉल्स करते हैं कि लहंगा कितने का है, क्या प्राइस रेंज का है, हमारे पास हर बजट के लहंगे हैं, ज़्यादा हल्के हम लोग नहीं रखते हैं। ब्राइडल जो हमारे पास लहंगे हैं 10,000 से स्टार्ट हैं और 50, 60, 70, 80, 1 lakh तक के हमारे पास लहंगे हैं। ठीक है, 10,000 के लहंगे जिनको बहुत कम बजट में चाहिए होते, तो उसमें हमने सिलेक्टेड कुछ वैराइटीज़ रखी हुई है। आपको हमारे पास मैक्सिमम जो रेंज मिलेगी अच्छे लहंगों की, वो 20 से लेके आपको 50, 60, 70 की रेंज में बहुत अच्छे लहंगे मिलेंगे। ठीक है सर, आप आइए शॉप पे, विजिट करिए, हमारा एक्सपीरियंस कीजिए, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस कीजिए, हमारी हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है, हमारा सामान देखिए, बाकी लहंगे बहुत सारे हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। जो हम कवर नहीं कर पाए वो भी आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे एक नज़र दिखवा देते हैं। ये देखेंगे, ये सारी वेराइटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। शॉप का नाम रजवाड़ा स्टूडियो रहने वाला है, इसका प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे मेंशन है। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी की आवश्यकता है सिंपली कॉल कीजिए, बाकी सर आपको मिलने वाले हैं आपकी सेवा में। बाकी इसी के साथ करते हैं वीडियो के एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वन में।